छतरपुर जिले से गुजरने वाले दूसरे बड़े फोर लेन निर्माण की कवायद तेज हो गई। कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 को फोर लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इस फोर लेन से पूरे बुंदेलखंड को फायदा मिलेगा। लंबे समय से लोगों को जिस नए विकास का इंतजार था, अब उसी योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। दरअसल 232.7 किलोमीटर लंबे सागर कबरई फोरलेन निर्माण के लिए दो चरणों में काम होना है। एक चरण में यूपी के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छतरपुर से होकर गुजरने वाले सागर कबरई तक फोरलेन निर्माण व चौड़ीकरण के लिए भू अर्जन की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस मार्ग के बन जाने से सागर की ओर से पन्ना, महोबा व नौगांव की ओर जाने वाले भारी वाहनों को नगर में प्रवेश किए बिना ही बाहर से सीधा रास्ता मिल जाएगा, जिससे शहर के अंदर वाहनों का आना रुक जाएगा और यातायात का दबाव भी कम हो जाएगा। साथ ही लोगों को नगर के अंदर से निकले हाईवे पर रोज दिन में कई बार लगने वाले जाम की समस्या व दुर्घटनाओं से भी राहत मिल जाएगी। साथ ही कबरई से कानपुर हाईवे और कानपुर से लखनऊ के लिए फोर लेन पहले से बना है। 232.7 किलोमीटर लंबा सागर कबरई फोर लेन बन जाने के बाद सागर और छतरपुर के व्यापारियों के लिए लखनऊ और कानपुर से जाने की परेशानी नहीं होगी। ये फोर लेन छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा, बिजावर, छतरपुर और महाराजपुर तहसील क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इन तहसील क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए चारों तहसीलों के 57 ग्रामों के भूमि खसरा नंबरों के क्रय के विक्रय पर रोक लगाकर अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में इस बारे में बड़ा मलहरा SDM ने आदेश जारी करके राष्ट्रीय राजमार्ग 934 व 34 सागर कबरई खंड के फोरलेन निर्माण चौड़ीकरण के लिए भू अर्जन से प्रभावित खसरा संख्या के अंतर्गत सड़क के मध्य 40 मीटर तक, जहां क्रय विक्रय पर पूर्ण रोक लगाने व नियमानुसार मध्य बिंदु से 75 मीटर दोनों तरफ किसी भी निर्माण के पूर्व NHI से अनुमति लेने का आदेश दिया है। सागर से उत्तर प्रदेश के कबरई कानपुर तक सागर लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से फोर लेन सड़क निर्माण का कार्य किया जाना है। इसके लिए सर्वे गुड़गांव की URS स्कॉट विलेंस कंपनी की जिम्मेदारी दी गई है। यह कंपनी सर्वे के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद पैरेलल सॉइल इन्वेस्टिगेशन सहित अन्य तकनीकी खानापूर्ति करने के बाद नक्शे को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर फोर लेन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।